अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब देखने वालों को सबसे पहले मेरा सलाम। आज हम आपको फिश बनाना सिखाएंगे इन ओवन, लेस ऑयल। इसमें आपको ऑयल की भी कम ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने इसमें मसाला लगाया, मसाला नॉर्मल जैसे हम लोग घर में लगाते हैं। पहले तो आपने फ़िश बनानी है, फ़िश में आपने क्या करना है कि उसको धोना नहीं है। धोने से पहले आपने इसको बाउल में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी, सिरका और आपने नींबू डाल के और साथ आपने डालना है लहसुन डाल के, तो इसको आपने छोड़ देना 5 से 7 मिनट के लिए। फिर आपने उसे वॉश अच्छी तरह से करना ताकि उसमें से जो ब्लड होगा वो निकल जाए। और उसके बाद आपने मसाले के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है, आपने मसाले के लिए थोड़ा सा बेसन, ठीक है, उसमें आपने जो दरफिन मिर्च होती है वो आपने डालनी है, साथ अपने नमक और आपने नींबू और लहसुन फिर थोड़ा सा यूज़ करना, नमक थोड़ा सा यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले नमक यूज़ कर लिया है। फिर आपने इसको लगाना है, लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ये जिस तरह से देखे ना, इसमें हर एक से ही ऐसे पीस में जो है इसमें मसाला जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। नींबू आप अपने हिसाब से डालेंगे, मुझे नींबू ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं नींबू थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे मैरिनेट किया, फ्रिज में रख दिया था। अभी हम लोग ने इसको क्या करना है, हमने इसको ओवन में बनाना है। ओवन में हमने इसे पहले नॉर्मल बनाना है A8 पे, इसके जो फंक्शन है उस हिसाब से A8 पे हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसको ग्रिल के लिए थोड़ी देर के लिए रखना है, 6 से 7 मिनट हमने ग्रिल के लिए रखना है। फिर देन हमने इसे नॉर्मल हम लोगों ने ओवन में कुक करना है और साथ साथ हम लोगों ने ब्रशिंग भी करनी है विद ऑयल। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, ये जस्ट ऑयल है। इसमें हमने क्या करना है कि जब हम इसको उधर रखेंगे ओवन में, हमने थोड़ी सी इसकी ब्रशिंग कर देनी है ऑयल की ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो। जो फिश होती है वो पके ऐसे कि लगे कि आपने कम ऑयल में पकाई है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ी सी सही तरह से वो मैरिनेट भी हुई हो, मीन कि हम जब उसे ओवन में रखते हैं तो वो ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने से बचाने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑयल से हमने ब्रशिंग कर देनी है और फिर मज़ेदार जो फिश है वो रेडी हो जाए विद लो ऑयल। ये ओवन है, ओवन में हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल प्लेट है, लेकिन हम लोगों ने इस पे स्टैंड पे हम लोगों ने इसको ग्रिल करना है। अब ये यहाँ पे फंक्शन की जो मैं बता रही थी, फंक्शन क्या है, हमने यहाँ पे सेट करना है, यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि 8 पे हम लोगों ने फिश कुक करनी है। 8 पे करके इसकी टाइमिंग हम लोग ने लगा देनी है 8 पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन है हमने पुश कर देना है और ये फिर 8 पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसको ग्रिल कॉम्बो करनी है। हमने ग्रिल वाला बटन पुश करना है, जिस तरह से ये मैंने ग्रिल इधर, ये 1 पे भी होती है, C1 C2, आप किसी पर भी रख के तो इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर देन हम लोगों ने इसको नॉर्मल इंस्टेंट पे, इंस्टेंट ये इस तरह से होती है, ठीक है, हम लोग जैसे भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम माइक्रोवेव में कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये। अब हमने क्या करना है, हमने स्टैंड लिया, स्टैंड पे हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ये स्टैंड ली, स्टैंड पे हम लोगों ने पहले फ़िश को रखना है। फ़िश को रखने के बाद हमने इसको ऑयल करना है, ऑयल करने के बाद हमने इसको रख देना है। ये ऐसे हम लोगों ने इसके पीसेस रखना है सीधे करके, पहले जैसे मर्जी आप लोग कटिंग करवा सकते हो। मैंने फ़िश की जो कटिंग है वो डिफरेंट टाइप में की है, एक राउंड में भी की है और फ्लैट उसके जो पीसेज है उसमें भी मैंने करवा दिया है उसकी कटिंग जो है। ये मैंने इस तरह से फ़िश को रख दिया है, ठीक है, आप डिफरेंट साइज़ की ले सकते हो फिश। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने ग्रीस करना है, मीन ऑयल से इसे ग्रीस, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, हम बटर को भी करके हम जो मेल्ट करके वो भी ले सकते हो। मैंने फ़िलहाल नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है, हमने इसकी ऐसे ग्रीसिंग करनी है। अब ये स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्या करना है, जब थोड़ा सा हाफ कुक हो जाएगा फिर हम लोगों ने दोबारा इसकी क्या करनी है, ऑयलिंग करनी है। ये मैं इसको ओवन में रख रही हूँ, तो ओवन में ऐसे रखना है हम लोगों ने। फिर क्या करना है कि इसको हम लोग, ये अभी मैंने फ़िश को रखा है, इसको तरतीब देके,
तो अभी मैंने ऑयलिंग कर दी है, अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, हमने उसके फंक्शन पे आना है। फंक्शन पे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 पे हम लोगों ने फिश को कुक करना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टार्ट का बटन कर देना है। और इसकी टाइमिंग कितनी होगी है 6, यानी हमने 6:27 मिनट तक हम लोगों ने इसको क्या करना है, हमने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे ग्रिल कॉम्बो। ये देखें अभी इसमें से इसको हम लोगों ने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा 8 पे हम लोगों ने सिर्फ इसको कुक किया है। अभी थोड़ी सी ऑयल इसमें ऑयलिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ी सी। थोड़ी सी करने के बाद क्या होगा कि हम लोगों ने इसको अब ग्रिल पे डालना है, ठीक है। ग्रिल पे डालने से के पहले हम लोगों ने इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर देनी है बस। ये अभी बस इसको ये एंड हो गया, अभी हम लोग इसको खोलेंगे। अब हम लोगों ने इसको ऑयलिंग कर दिया, अब हम लोगों ने इसको ग्रिल करना है। ग्रिल करने के लिए हम लोगों ने इसको टोटली 6 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, कॉम्बो ग्रिल देनी है। तो ये फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, अब ग्रिल होगी। ग्रिल करने के बाद हम लोग इंस्टेंट पे जाएंगे, इंस्टेंट कुक करेंगे हम 5 से 6 मिनट। ये हो गया, अभी मैं इसको बाहर निकालूँ। ये देखें तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हमारे। देखें अब मैंने इसकी जस्ट साइड टर्न करनी है थोड़ी सी और इसको नॉर्मल थोड़ा सा कुक कर देना है, ठीक है। और ये फिनिश हो गया, यानी इसकी जो कुकिंग टाइम है वो ऑलरेडी फिनिश हो गया। ये बाहर निकल, यहाँ पर आपके मैं इसकी कुकिंग ऑयल लगा देती हूँ। ये अब हो गया इसकी टाइमिंग, अब ये फुली कुक हो गई है। हम लोगों ने अब इसको बाहर निकाल के इसमें से हमने पीसीज इसके निकालने, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से आपको लगेगी जैसे हम लोग नॉर्मली बाज़ार जाते हैं ना ग्रिल जो फिश होती है वो खाने के लिए, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। नॉर्मल हम लोगों ने इसको कुक करना है 6 मिनट। ये हमारी फिश रेडी है, ठीक है। अब हम लोगों ने टेस्ट करना है और टेस्ट करके हम लोगों ने ये देखना है कि फिश कैसी है, ठीक है। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है विद लो ऑयल, और इसमें किसी मीन जिसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उसकी भी यानी वो लोग भी इजीली खा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल कम होता है। हमने इसको गार्निश कर दिया विद टमाटो एंड चिली एंड लेमन।